चार्टर्ड अकाउंटेंसी वर्सेस सी पी बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर सी करना चाहिए या सी करना चाहिए और बहुत डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे पूछते हैं कुछ वो बच्चे भी हैं जो क्लास ट्वेल्थ अभी कर रहे हैं या कर चुके हैं उनके मन में भी ये सवाल आता है और कुछ वो बच्चे भी हैं जो ऑलरेडी बी कॉम कर रहे हैं या कर चुके हैं या जो सी के बच्चे हैं सी के स्टूडेंट्स हैं या सी ए हैं वो लोग भी ये चीज़ें पूछते हैं कि सर क्या फील्ड लेनी चाहिए सी में जाना चाहिए या सी में जाना चाहिए तो हमने कहा चलो ये तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा आइडिया है और बहुत हेल्पफुल होगा बहुत सारे बच्चों को तो चलो इस पर एक मिलकर अच्छा सा एक वीडियो बनाते हैं फॉर कीप गेटिंग दीज वीडियोज सब्सक्राइब टू आर चैनल फिन ग्लोबल ताकि ये वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपको अच्छे से अच्छा वैल्यू एड दें तो चलो अब बात करते हैं सी ए वर्सेज की बच्चे मैंने ना दोनों किया है मैंने सी भी किया मैंने सी भी किया एंड आई हैड माई ओन रीजन इन टर्म्स ऑफ यू नो वॉट आई डिड द वे आई डिड बट आई रियली व टॉक थ्रू ताकि मैं आपको वो एटलीस्ट डायरेक्शन दे सकूं कि आपके लिए क्या ठीक रह सकता है पहले बात करेंगे बच्चे अगर मैं इन दोनों के क्वालिफिकेशंस की बात करूं तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चे कि क्वालिफिकेशन किस किस प्रोफाइल या फील्ड की हैं जैसा हमें यू नो बेसिक आइडिया पता ही है कि क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो या सर्टिफाइड यू नो पब्लिक अकाउंटिंग हो ये हैं तो अकाउंटिंग की क्वालिफिकेशन फाइनेंस की क्वालिफिकेशन तो इन्हें करने के बाद आप जाने वाले तो फाइनेंस की फील्ड में ही हो अकाउंटिंग की फील्ड में ही हो एनालिसिस की फील्ड में ही हो तो क्वालिफिकेशन तो ये पक्का से अकाउंटिंग और फाइनेंस की है जो आपको फाइनेंस के पीक तक लेके जा सकती है बिकॉज दोनों क्वालिफिकेशन ऐसी हैं जो आपको टॉप नॉच फाइनेंस प्रोफेशनल्स के अंदर सी के अंदर पक्का से मिलने वाली हैं कम वॉट में ये तो बच्चे पहली बात इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइल या फील्ड क्या है अब आती है बच्चे बात एलिजिबिलिटी की कि सीए करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए आपको या सीपीए करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए देखो बच्चे अगर आपने सीए शुरू करना है ना तो ये इसकी सबसे बड़ी एक्चुअली में ना एडवांटेज है कि सीए ना आप शुरू कर सकते हो अगर आपने क्लास ट्वेल्थ कर ली है तो बिकॉज आफ्टर क्लास ट्वेल्थ ही शुरू हो जाता है और ग्रेजुएशन के साथ ही परसी हो जाता है और अगर सब कुछ ठीक रहे तो तीन से चार साल में क्वालिफाई भी हो जाता है तो यहाँ मैंने बात कर डाली कि इसके लिए टाइम कितना चाहिए वो भी अप्रॉक्सिमेटली तीन से चार साल चाहिए हाँ बशर्ते अगर आपने सारे पेपर एक, एक बारी में क्लियर करते चले हो तो हाँ अगर किसी में फेल हो गए तो टाइम बढ़ जाएगा जैसा कि बहुत सारे केसेस में होता है यही मैं अगर सी पी ए की बात करूँ बच्चे सी पी एज ए क्वालिफिकेशन उसकी एलिजिबिलिटी क्या है उसकी एलिजिबिलिटी होती है मिनिमम ग्रेजुएशन वैसे तो ग्रेजुएशन प्लस वन ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन होती है बट बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज़ हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पे ए आई सी पी ए विच इज़ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट आपको परमिट करता है कि आप ग्रेजुएशन के बाद ही इस क्वालिफिकेशन के एग्जाम दे पाओ और इसे क्वालिफाई कर पाओ इससे रिलेटेड इस एलिजिबिलिटी से रिलेटेड मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो भी बनाया है मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूं आप प्लीज़ जाके इसको अच्छा बच्चे अब हम बात करते हमने बात कर ली यू नो ओवरऑल की इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको सी ए में यही मिल जाता है कि आप सीए जल्दी शुरू कर पाते हो जबकि सीपीए के लिए आपको वेट करना पड़ता है और क्योंकि वेट करना पड़ता है तो ये बेसिकली जो ग्रेजुएशन कर चुके बच्चे होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे बच्चे होते हैं या सी वाले स्टूडेंट होते हैं वही जनरली इसको लेते हैं और इसे करते हैं अब बात करते हैं बच्चे कि सर इन दोनों क्वालिफिकेशन में एग्जाम्स कितने होते हैं अब एग्जाम कितने हैं सर एग्जाम भी बताओ बिकॉज वो तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है हमें समझने के लिए कि इसमें हमें कितनी मेहनत करनी है कितने एग्जाम देने हैं और इसमें कितने देने हैं सी ए में बात करूँ बच्चे मैं तो सी ए में तीन लेवल होते हैं फाउंडेशन यू नो आई पी सी सी और इंटर कह लेते हैं या फाइनल कह लेते हैं इन तीन लेवल में मिला के बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी एग्जाम बीस एग्जाम आपको देने होते हैं जबकि मैं अगर सी पी ए की बात करूँ तो सी पी ए में चार एग्जाम देने होते हैं एग्जाम का सर इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है तो सारे लेता है। जबकि सी पे प्रिज्यूम करके चलता है कि आप बीकॉम या आप एम कॉम या आपने एम कॉम को फर्स्ट फर्स्ट ईयर किया हुआ है या आप सी के स्टूडेंट हो बिकॉज दैट इज एलिजिबिलिटी तो आपसे कम एग्जाम लेता है सिर्फ चार एग्जाम देने होते हैं तो इसीलिए एग्जाम परस्पेक्टिव से सी जो है वो एक ईजियर क्वालिफिकेशन हो जाता है बिकॉज कम एग्जाम देने हैं तो टाइम भी कम लगेगा और मैं इसमें जल्दी से क्वालिफाई भी कर जाऊंगा अब मैं टाइम पीरियड की बात जो मैं पहले कर रहा था अगर मैं उसको दोबारा से बोलूं तो सी में मुझे तीन से चार साल चाहिए इन टर्म्स ऑफ यू नो क्वालिफाइंग दिस एज एन ओवरऑल ओवरऑल क्वालिफिकेशन सी में इन चार एग्जाम को क्लियर करने में अप्रॉक्सीमेटली एक साल से डेढ़ साल लगता है कुछ बच्चे एक साल में ही कर जाते हैं एक साल से पहले भी कर जाते हैं कुछ बच्चे इसको डेढ़ साल में तो निकाल ही देते हैं मैक्सिमम बच्चे इसको डेढ़ साल में तो निकाल ही देते हैं सर कॉस्ट की बात करो सर सर पापा को कैसे समझाएंगे सर कॉस्ट कितनी है सर पापा ने अल्टीमेटली तो पापा ने पैसे देने हैं कि इसमें कितनी लगने वाली है और इसमें कितनी लगने वाली है बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू नो इफ यू इफ यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट कॉस्ट देन यू आर नॉट डूइंग फेवर टू योर पेरेंट्स यू हैव टू थिंक अबाउट इट राइट अवे देखो बच्चे बहुत सारे ना आप वीडियोज़ देखोगे यू नो यू नो लेफ्ट राइट सेंटर जहाँ पे ना सी ए की कॉस्ट को ना बहुत कम बता देते हैं और सीपीए की कॉस्ट को बहुत ज़्यादा बता देते हैं हम ना इस पर एक्चुअली में रियलिटी चेक लेते हैं बिकॉज लेट्स लेट्स गेट रियल ऑन इट अगर बच्चे हमें बीस एग्जाम बीस एग्जाम सी के तैयार करने हैं मैं अप्रोक्सीमेट मान के चल रहा हूँ कि एक एग्जाम की फीस मेरी अप्रोक्सीमेटली दस हज़ार रुपये तैयारी करने का मेरा चार्ज लगता होगा मैं अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ यू नो डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ हो किससे पढ़ रहे हो शायद ज़्यादा भी लग सकता है तो मैं बीस एग्जाम में लगभग दो लाख रुपये खर्च करूंगा दस हजार इंटू बीस दो लाख रुपए खर्च करूंगा बिल्कुल करूंगा इसके ऊपर ना और सी इंस्टीट्यूट भी कुछ फीस लेता है बिकॉज वो एग्जामिनेशन फीस भी लेगा रजिस्ट्रेशन फीस भी लेगा एंड सो सोन सो फोर्थ लेट से वो पचास साठ हजार रुपए के करीब वो है तो मिनिमम खर्चा सी ए करने का ढाई से पौने तीन लाख रुपए आता ही आता है ये तब है बच्चे जब आप वहीं जहां रहते हो वहीं कोचिंग ले रहे हो बट बहुत सारे सी ए के स्टूडेंट्स ट्रैवल करते हैं ट्रैवल करते हैं बिकॉज उनके यहाँ उतनी अच्छी कोचिंग अवेलेबल नहीं होती है या होती है तो उन्हें ऑनलाइन लेनी पड़ती है और ऑफकोर्स यू नो ऑनलाइन के यू you नो know, उन्हें कंसर्नस दिखते हैं तो वो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में जाते हैं टीयर वन सिटीज़ में जाते हैं तो उन्हें वहाँ रहना भी होता है और ऑफ़कोर्स पेपर भी देने होते हैं तो बच्चे उस उस टाइम पे अगर मैं ये रहना और ऑफ़कोर्स पेपर देने की बात करूँ तो अप्रोक्सीमेटली खर्चा जो होता है ना बच्चे वो चार लाख के करीब पहुँच जाता है तो सी करने का टोटल खर्चा अगर आप अपनी सिटी से बाहर जाते हो पढ़ने कोर्स एग्जाम देने तो चार साढ़े चार लाख के करीब खर्चा टोटल पड़ता है अगर आप अपनी सिटी में ही हो और कोर्स तैयारी कर रहे हो और यू you नो know, कोचिंग लेते हो वहीं पे तो ढाई से पौने तीन तीन लाख रुपए के बीच में आपका टोटल खर्चा आने वाला है अब यही बात मैं बच्चे सी की करता हूँ सी में बच्चे जो टोटल एक्सपेंस है अगर मैं मान लूँ कि आप कोचिंग भी ले रहे हो और एग्जाम फीस भी आपको देनी है और इवेल्युएशन भी आपको कराना है जो सब इसका यू नो क्राइटीरिया होता है और course, अगर आपको इवेल्यूशन या एग्जाम फीस के बारे में सुनना है या समझना है तो मैंने इस पर इससे रिलेटेड भी एक वीडियो बनाया हुआ है माई बटन में दे रहा हूँ बिल्कुल और बिल्कुल देखो उसको दैट विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ यू नो वॉट यू ओवरऑल डिटेलिंग ऑफ द फीस इज ऑल अबाउट बट मैं अगर आपको नक्शल में बताऊँ कि टोटल एक्सपेंस कितना होने वाला है तो अप्रॉक्सीमेटली तीन से चार लाख के बीच में एक्सपेंस आता है मैं इसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड कर लिया इसमें मैंने कोचिंग भी इंक्लूड कर ली इसमें मैंने, मैंने बच्चे आपका एग्जामिनेशन फीस भी इवेलुएशन भी रजिस्ट्रेशन भी सब कुछ आ गया इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है बिकॉज तैयारी मोस्टली इसकी ऑनलाइन ही होती है तो आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता है आप अपने यहाँ से ही देखोगे इसको जहाँ भी आप पढ़ रहे हो या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो तो खर्चा अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहता है एक डिफरेंस होता है बच्चे जो सी और सी में आपको समझने की ज़रूरत है वो ये कि सी के एग्ज़ाम ना इंडिया में बहुत सारी जगह होते हैं बहुत सारी जगह एग्जाम होते हैं तो आप बहुत सारी स्टेट बहुत सारे सिटीज़ में जाके एग्ज़ाम दे सकते हो जो सी पी ए के एग्जाम है मैं अपनी बात करूँ मैंने बीस साल पहले सी पी ए किया था तो उस टाइम पे एग्ज़ाम यू एस में होते थे तो मुझे यू एस ट्रैवल करके जाना होता था वहाँ पर पे पेपर देने होते थे एंड सो ऑन सो फोर्थ एंड ऑफ कोर्स थर्ड टाइम बाद ये एग्ज़ाम दुबई में होने लगे एंड नाउ वी हैव यू नो दे हैव रियली मेड इट ईजियर फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स कि अब एग्जाम इंडिया में हो जाते हैं सो देर आर सम स्पेसिफाइड आई वुड से सिटीज़ इन द स्टेट्स जहाँ पे आप जाके एग्जाम्स को दे सकते हो और वो एग्ज़ाम्स को देकर आप फटाफट से सी पी ए क्लियर कर सकते हो ऑफ कोर्स इसकी डिटेल लिस्टिंग अगर आपको चाहिए एंड ऑफ कोर्स अगर आपको जानना है कि सर कौन कौन सी स्टेट्स हैं कौन कौन सी सिटीज हैं तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखो मुझे आई विल रिप्लाई बैक टू यू चलो ये भी हो गया सर सर वी हैव लर्न इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट वी हैव लर्न इन टर्म्स ऑफ सर मुझे एग्जाम कितने देने होते हैं सर मैंने समझ लिया मैं एग्जाम कहाँ से दे सकता हूँ क्लियर हो गया सर अब बात करो ना सर डिफिकल्टी लेवल पे सर सीए डिफिकल्ट है या सीपीए डिफिकल्ट है सर डिसीजन सर सर कॉस्ट पे तो होगा नहीं सर सर में समझना पड़ेगा ना सर क्या डिफिकल्ट है सी ए डिफिकल्ट है या सी पी ए डिफिकल्ट है बच्चे एक चीज ना मैं हमेशा से कहता हूं मैं आपको भी यह चीज़ बोलूंगा कोई भी प्रोफेशनल कोर्स बच्चे आपने जीवन में करना होगा ना चाहे वो सी ए हो या सी पी ए हो या ए सी सी ए भी हो फॉर देट मैटर या कोई और भी क्वालिफिकेशन हो बच्चे ये कभी मत एज्यूम करना कि आसान होने वाली है क्वालिफिकेशन बच्चे अगर वो प्रोफेशनल होगी तो वो आपको मानझेगी यू नो दैट विल पॉलिश यू टू गेट यू नो टू गेट इट कन्वर्टेड इनटू ए गुड गुड प्रोफेशनल तो वो आपको टफनेस से तो गुजारेगी गुजारेगी आपको वो काम करना ही करना है वो गोथलू करना ही करना है बट मैं अगर कंपैरिजन करूँ सीए का या सीपीए का तो क्योंकि सीए में बीस एग्जाम है सीपीए में चार एग्जाम है तो एक कंफर्ट सीपीए में है कि एग्जाम कम है दूसरा फैक्टर ये है कि सी का रिजल्ट ओवरऑल अगर आप पास्ट हिस्ट्री भी उठा के देखो तो वो अप्रॉक्सीमेटली टेन टू फिफ्टीन परसेंट के बीच में रहता है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल पीपल हु क्लियर द एग्जाम कभी ज़्यादा भी हो सकता है कभी इससे कम भी होता है बट अप्रोक्सीमेटली दस से पंद्रह परसेंट बच्चे क्लियर करते हैं यानी कि अगर सौ बच्चा सी शुरू करता है तो अप्रोक्सीमेटली दस से पंद्रह बच्चा क्लियर कर पाता है सी जबकि अगर मैं सी की बात करूँ तो सी पी एंड यू नो एंड ऑफकोर्स यू कैन गो एंड चेक इट आउट टू सी पी ए आई वुड से फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव परसेंट पीपल क्लियर सी पी ए सो रिजल्ट स्टैंड पॉइंट से सी पी ए का रिजल्ट ज़्यादा है आप ज़्यादा जल्दी क्लियर कर सकते हो और रिजल्ट क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा है तो बच्चे क्लियर कर लेते हैं बिल्कुल ठीक है, तो है, तो है, है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है सर डिफिकल्टी लेवल बढ़ने का ना एक और भी कारण है वो कारण है बच्चे ग्रुप सिस्टम सी के जो पेपर है ना बच्चे वो ग्रुप में देने होते हैं और सारे एग्जाम क्लियर करने होते हैं सब में सर 40 लाने होते हैं टोटल में 50 बनाना होता है एंड ऑन सो फोर्थ जबकि सी में ऐसा नहीं है बच्चे आपने एक एग्ज़ाम देना है एक क्लियर करना है फिर दूसरा देना है दूसरा क्लियर करना है और आगे बढ़ चलना है दैट इज़ वाई आई वुड से सम वॉट मुझे ऐसा लगता है कि डिफ़िकल्टी लेवल की अगर बात करूँ तो सी थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है बट सी उतनी डिफ़िकल्ट शायद नहीं होती है बिल्कुल ठीक है सर ये भी समझ में आ गया अब हम बात करें सर हमें जॉब्स कहाँ मिल सकती है सर क्वालिफ़िकेशन करनी है सर इतनी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन करनी है सारा फ्यूचर इस पर बेस्ड है इतना सारा खर्चा करना है इतनी सारी मेहनत करनी है सर जॉब मिलेगी सर सी का जॉब मार्केट कैसा है और सी पे का जॉब मार्केट कैसा है बच्चे दोनों का जॉब मार्केट ना बहुत अच्छा है मैं ना यहाँ पे आके ना मैं थोड़ा सा आ, उस स्टेज पे आ जाता हूँ जहाँ मैं ये नहीं कह सकता कि ये अच्छा है या ये अच्छा है मैंने तो बच्चे सीए करी थी पहले और मुझे सी करने के बाद भी जॉब मिली थी और भगवान की दया से बहुत अच्छी मिली थी फिर भी मैंने सी करी सी करने से क्या हुआ सर मुझे और अच्छी जॉब मिली मैं और अच्छा काम कर पाया मैं और जल्दी ग्रो कर पाया तो जॉब मार्केट बच्चे दोनों की है ऐसा नहीं है कि किसी की है किसी की नहीं है दोनों की जॉब मार्केट इंडिया में बहुत अच्छी है ऑफकोर्स सी पी की वर्ल्ड वाइड भी है बिकॉज उसकी रिकग्नीशन ज़्यादा है इंडिया की अगर बात करें तो सी और सी दोनों को इक्वल इक्वल ट्रीट करेंगे जॉब मार्केट दोनों की बहुत अच्छी है इंडियन कंपनीज मल्टीनेशनल कंपनीज सब हायर करती हैं सीएस को भी सीपीएस को भी सीपीए को सिर्फ एक एज मिला हुआ है वो ये कि जो यूएस कंपनीज हैं जिनका बेस इंडिया में आता जा रहा है या बैक ऑफिस वर्क आ रहा है या एक्सटेंडेड आर्म आ रही है या उनके कैप्टिव uh, लग रहे हैं यहाँ इंडिया में उनको सीपीए चाहिए होते हैं द पीपल हु वुड अंडरस्टैंड द यू एस गैप नाउ दिस ब्रिंक्स मी टू ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सी ए किस पे बेस्ड है और सी पी ए किस पे बेस्ड है बच्चे सी ए क्योंकि इंडियन क्वालिफिकेशन है तो वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड है आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे आप इंडियन टैक्स पढ़ोगे इंडियन ऑडिट नॉर्म्स पढ़ोगे बिल्कुल ठीक है सर सी पी एन अदर हैंड विल टेल यू की यूएस गैप में क्या होता है सो so यूएस के मैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ने वाला हूँ मैं पढ़ने वाला हूँ यूएस के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स मैं पढ़ने वाला हूँ यूएस के टैक्सेशन स्टैंडर्ड्स सो so, ये एक बेसिक डिफरेंस है जिस वजह से जो यूएस वाली क्वालिफिकेशन है सीपीए ये यूएस कंपनीज बहुत ज्यादा हायर कर लेती है आप कोई सीपीए करते ही सी ए में वो वो एज नहीं होता है मैंने भी जब करी थी तो मेरे पास सी ए के कारण नौकरी तो थी लेकिन क्योंकि मुझे यूएस का काम करना था तो मुझे एक ऐसी एडिशनल क्वालिफिकेशन चाहिए थी मैंने वो ली एंड ऑफकोर्स इज हिस्ट्री क्लियर हो गया सर हमने समझ लिया सर ओवरऑल ओवरऑल क्लैरिटी आ गई है सर सर अगर मैं इंटरनेशनल रिकग्निशन की बात करूँ तो सी और सी पी ए में क्या डिफरेंस है सर कितनी रिकग्निशन है हमारी सी ए की और कितनी रिकग्निशन है हमारी सी पी ए की सर मैं तो बाहर जाना चाहता हूँ सर मैं तो वो क्वालिफिकेशन करना चाहता हूँ सर जो बिंदास चले और मुझे बहुत बहुत और बहुत सक्सेस दे वो सजेस्ट करो देखो बच्चे अगर मैं इंटरनेशनल रिकग्नीशन की बात करूँ तो ऐसा नहीं है हमारी इंडियन सी ए की इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं है बटे मैं ये नहीं कहूंगा कि यू नो सी पी में ही सब कुछ अच्छा है ऐसा नहीं है अगर ऐसा था तो मैंने क्यों करी सी ए सी ए करने का अपना एडवांटेज है सी ए करने की अपनी एज है और इंडिया में तो बहुत बड़ी एज है तो सी ए तो मुझे लगता है अगर आपने कर आप कर रहे हो या आप करना चाहते हो तो आपका बहुत अच्छा डिसीजन होने वाला है तो मैं ये कभी भी नहीं बोलूंगा कि यू नो सी की इंटरनेशनल रिकोगशन नहीं है बिकॉज मैंने तो इंटरनेशनली भी काम किया है

ये सारे पॉइंटर्स बच्चे मुझे लगता है बहुत सारे दिमाग के अंदर आपके चल रहे होंगे जो बहुत सारे बच्चे हमसे किसी न किसी शेप एंड फॉर्मैट में पूछते रहते हैं इसीलिए जस्ट थॉट कि एटलीस्ट आई कैन रन पास यू कि ये सी में होता है बच्चे ये सी में होता है बच्चे ताकि आपको हेल्प मिले अपना अपना राइट right डिसीजन लेने में हाँ अगर आप मेरे से पूछोगे सर कि आपने सर इतना सारा ज्ञान दे दिया आपने बता दिया सी में ये होता है सी में ये होता है आपने सी ए भी करी है आपने यू नो सी भी करी है आप बताओ सर क्या बेटर है तो बच्चे अगर मैं निष्कर्ष निकालूं आपके लिए कि क्या चीज़ बढ़िया है सी ए या सी पी तो मुझे ऐसा लगता है उसके लिए आपको दो चीज़ें समझनी जरूरी हैं एक आप कहाँ हो इन टर्म्स ऑफ आप अपने करियर में कहाँ हो आप अपने करिकुलम में कहाँ हो अगर आप क्लास ट्वेल्थ या ग्रेजुएशन uh, कर रहे हो मुझे ऐसा लगता है बच्चे कि अगर आपको इस समय कुछ करना चाहिए तो आपको पक्का से चार्टर्ड अकाउंटेंसी को शुरू कर लेना चाहिए बिकॉज सीपीए तो आप नहीं कर सकते क्वालिफाई नहीं करते आप उसके लिए आप सीए शुरू करो और कोशिश करो कि सीए आपकी जल्दी से जल्दी क्वालिफाई हो जाए तो अगर आप क्लास ट्वेल्थ या मैं क्लियर कर चुके हो या कर रहे हो या अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए सीए एस पी मुझे लगता है सीए करनी चाहिए बिकॉज आप इस समय यही कर सकते हो और अगर मैं इसको और किसी क्वालिफिकेशन से कंपेयर करूँ तो मुझे लगता है जो आपको रिवॉर्ड सीए देकर जाएगा वो बहुत हाई होने वाला है तो ऑफकोर्स सी ए करना चाहिए ये तो वह बच्चे एक फैक्टर देखने का कि मैं किस ब्रैकेट में हूँ और मैं अगर सी की बात करूँ तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या कर चुके हो या आप सी के स्टूडेंट हो इंटर क्लियर कर चुके हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो तो बच्चे सी एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जो आपको एक वेरी डिफरेंट एज दे सकती है एक डिफरेंट लेवल की स्पीड दे सकती है आपकी करियर ग्रोथ में एक तो ऑफकोर्स वन टाइम गेन मिलता है बच्चे आप ऐसी कोई इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन देते हो तो अच्छी सी किसी कंपनी में एम में ग्लोबल एमएनसी में जा सकते हो जॉब मिल सकता है हिट कर सकते हो दिस एंड दैट एक तो वो है वन टाइम वन टाइम गेन आई वुड से विन फॉल गेन दैट यू वुड हैव वंस यू क्लियर दिस बट एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ ना आपकी स्पीड अप हो जाती है अगर आपकी ऐसी क्वालिफिकेशन आपके पास है बिकॉज आप हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एज लोगे अपने साथ वाले एम्प्लॉयज से तो आपकी ग्रोथ बड़ी फास्ट हो जाती है दैट इज़ वन ऑफ द रीजन शायद मैं डायरेक्टर बना ट द एज ऑफ 31, वन आई वॉज दस डेक्टर एट द एज ऑफ 31, वन बिकॉज आई हैड वॉट वॉज नीडेड टू बी देर समझ में आती है बच्चे ये बच्चे एक क्राइटेरिया देखने का कि सर मैं किस स्टेज ऑफ करियर में हूँ एक दूसरा लेंस भी है बच्चे जो आपको लगाना चाहिए किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है क्या काम करना है अगर तुम तो बेटे आप इंडिया में हो और आप इंडियन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सीपीए करने का सोचो ही मत फटाफट से इंडियन सी शुरू करो क्वालिफाई करो और बिंदाज होकर काम करो कोई प्रॉब्लम नहीं है सी पी आपके लिए वर्थ ही नहीं है अगर आप यू नो इफ इफर रियली थिंकिंग अबाउट प्रैक्टिसिंग इन इंडिया बट अगर मैं इसी गेयर को यू नो स्विच करूं और मैं कहूं इफ यू वॉन्ट टू हैव एन इंटरनेशनल प्रैक्टिस डाउन द लाइन अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो और आपको लगता है मैं यूएस से काम ला सकता हूं यूएस का काम यहां से कर सकता हूं तो सी ए कर लो आगे जाके सी पी ए करना वेरी इंपॉर्टेंट या अगर आप किसी एम में काम करना चाहते हो बिग फोर में काम करना चाहते हो और इंटरनेशनल लेवल पे काम करना चाहते हो बिग फोर में ऐसा नहीं है सी को नौकरी नहीं मिलती है बहुत मिलती है बहुत सारे सी हैं है वहाँ पर ज़्यादा सी एज इनफैक्ट बट बिग फोर में भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल के काम होते हैं इन टर्म्स ऑफ यू नो यू एस रेगुलेशन से रिलेटेड यू एस अकाउंटिंग से रिलेटेड रिपोर्टिंग से रिलेटेड यू एस ऑडिट से रिलेटेड एंड सो फोर्थ अगर आपको उस डोमेन में काम करना है तो सी पी एज़ द क्वालिफिकेशन टू रियली ऑप्ट फॉर दैट इज़ द रीज़न यू वुड फाइंड मेनी

It is not that tough the way you feel. It can be made easier, hell lot easier. And of course, ड्राम is there to support you on that. मुझे ऐसा लगता है बच्चे ये दो डिसीजन है ये दो क्राइटेरिया हैं पे बेस आप ये डिसीजन ले सकते हो और अगर आप इनके बारे में एनालिसिस करोगे और इनके बारे में सोचोगे तो प्रॉबर्ली आपको सही अप्रोच मिलेगी एक सही डिसीजन लेने के लिए बट फिर भी अगर आपका कोई सवाल है बच्चे और कोई डाउट है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखना I will certainly pick it up and try answering that there and then. I hope I was able to value it somewhat in some way or the other through this video and it will help you in terms of taking your decision. अगर आपको लगता है तो like button तो जरूर से जरूर दबाना and of course subscribe this channel to ensure that ये सारे videos आप तक सबसे पहले पहुँचें। सही मायने में बच्चे अगर सही decision लेना है तो pros and cons समझने बहुत जरूरी हैं। and of course i'm sure this video this video will help you taking the right decision for yourself i'll see you again in the next video till then this Pankaj dhingra signing off